हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज मेरा डायलिसिस तो है क्योंकि सैटरडे है, तो चलते हैं बस रूटीन के हिसाब से चीज़ें लेंगे, फिर डायलिसिस करवाएंगे। पहले तो जाके नाश्ता करते हैं, मम्मा ने नाश्ता बना रही है, तो चलते हैं नाश्ता करते हैं, फिर जाएंगे चीज़ें लेने। लेट्स गो। नाश्ता करके हो गए फारिक, और एक बहुत बड़ा मसला हो गया है हमारे घर की टैंकी का पानी बिल्कुल ख़त्म। वो अभी मम्मा ने बर्तन धोने के लिए पानी खोला, पानी नहीं आ रहा, और मज़े की बात लाइट भी चली गई। अब लाइट पता नहीं कब आएगी और पानी पता नहीं कब आएगा, देखो। तो भाई हमारे घर में पानी तो ख़त्म हो चुका है, मगर अब मैं चाय बना रहा हूँ, और चाय के लिए पानी लिया मैंने यहाँ से, ये हमारे फिल्टर लगा हुआ है ना, यहाँ से पानी लिया। तो चाय बनाते हैं, पानी डाल दिया गर्म, अब पानी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, दूध भी डाल देते हैं। तो भाई बन रही है मेरी चाय, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीता हूँ क्योंकि मुझे ना ऐसे दूध वाली चाय अच्छी नहीं लगती, मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीता हूँ। चाय बन जाए उसके बाद बाबा लोग मामा से पैसे लेंगे और चलेंगे फिर हम लोग किधर वाला किधर, हाँ चीज़ें वगैरह लेने। तो फाइनली आपके भाई ने चाय बना रही है, अब चाय फटाफट से पीते हैं और उसके बाद चलते हैं हम जी चीज़ें लेने। और टाइम हो रहा है जी, ओहो ये टाइम तो गलत है, चलो फिर ठीक है चाय पी के चलते हैं। भाई पहले हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि अब लाइट आ गई है, पानी भी भर रहा है। फिर बाबा कह रहे हैं कि ना ऊपर जो ऊपर वॉशरूम में देख के हो कोई टुंडी तो नहीं खुली हुई, जिसकी वजह से भाई हमारा पानी इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। भाई हैरत की बात है, तो भाई आपका भाई ऊपर जा रहा है। देखें भाई कौन सी टुंडी खुली हुई है। ऊपर हो यूसुफ। गाइस ये है मेरा कमरा, नहीं आप तो कुछ नहीं। गाइस किसी दिन ना मैं आप लोगों को अपने हमारे जो ऊपर पोर्शन बनाया ना उसका भी व्लॉग बना के दिखाऊंगा कि मेरा रूम के लिए मैंने जो टाइल्स पसंद किए हैं, वॉशरूम के लिए जो चीज़ें पसंद किए हैं। इस वॉशरूम में देखते हैं, ये मेरा रूम है, इस वॉशरूम में देखते हैं भाई। नहीं कोई लिखी थी अभी, चलो बस अब फिर चलते हैं चीज़ें लेने। लेट्स गो गाइस, बाहर निकल गए हम लोग, अब जा रहे हैं चीज़ें लेने। यूसुफ मुँह चलें, लेट्स गो। ओ भाई साहब ये देखो, इनकी तो आज पार्टी आई थिंक, चलो चलें चीज़ें लेने। गाइस हम लोग जा रहे हैं और यूसुफ डर रहा है। यूसुफ क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, सामने डॉगी है भाई, आ जाए यार। यूसुफ कुछ भी नहीं कह रहा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, मगर ठीक है यार देख लेंगे क्या करते हैं। ओ माय गॉड, जनरल स्टोर यहाँ से चीज़ें लेंगे। आज बाबा हमारे साथ हैं क्योंकि गली में ना डॉगी पिल रहे थे, जिसकी वजह से मैं डर गया और वापसी जाना शुरू हो गया। अब यहाँ से ले लेते हैं चीज़ें और फिर हम चलते हैं घर। गाइस हमने चीज़ें ले ली हैं, वापस घर जा रहे हैं। ये आप खाली खा रहे हैं ना? मैं नहीं खा लिया खा रहा। अच्छा पिछले ब्लॉग बुला लो मेरे पे, आ रहे हो घर जा रहे हैं वापस। बाबा चिकन लेने चले गए थे, हम जा रहे हैं वापस घर। बस अभी उसे दुआ करो दोबारा से डॉगी ना हो। ओ भाई ये तो बकरियाँ हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता, मगर यूसुफ इनसे भी डरेगा। नहीं मैं नहीं डर, डरोगे। बेल बजाते हैं, लाइट भी आई हुई है और हम भी घर पहुँच गए हैं। यूसुफ ताना को दे रहा है ताना का सामान और मैंने बेल बजा दिए। घर से कोई आएगा तो खोलेगा दरवाज़ा। तो भाई अब तैयार हो रहे हैं, मामा मेरे लिए वो लंच में लेके जाता हूँ ना, वो बनानी है और मैं हो रहा हूँ भी तैयार। यूसुफ ताना को सामान दे, मैं हो जाता हूँ तैयार। 11 बजे हम लोगों ने निकलना, 11:30, तो चले होते हैं रेडी। अब थोड़ी देर रेडी भाई चल रहे हैं, अब हम लोग डायलिसिस में। आज लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 12 बज गए हैं और 12 बजे हमें वहाँ पे होना चाहिए डायलिसिस यूनिट। यूसुफ मुझे रिजल्ट दे तो पहले, 12 बजे हमें डायलिसिस यूनिट होना चाहिए तकरीबन। चलो डायलिसिस यूनिट चलते हैं जल्दी से। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं डायलिसिस सेंटर, इस फर्स्ट गेट से हम एंटर होंगे। ये वाला है डायलिसिस सेंटर, कह रहा हूँ किडनी सेंटर। ये वाली बिल्डिंग जो है ये है किडनी सेंटर की, और इसके बिल्कुल साथ ही बनी हुई है कार्डिक सेंटर। कार्डिक सेंटर बना हुआ है और अब हम अंदर जा रहे हैं।
चलो चलो बेटा। हम पहुंच गए हैं जी किडनी सेंटर। अब हम ऊपर जा रहा हूँ। बाबा जो है वो गए हैं। एक ना एक तो मैं लैपटॉप लेके आया था, लैपटॉप का काम कराना था, तो बाबा कह रहे हैं आपको छोड़ के ना मैं लैपटॉप का काम करवा देता हूँ, और दूसरा बस फिर आ जाएंगे बाबा जब मुझे डायलिसिस मशीन लग जाएगी तब आ जाएंगे, तब तक बाबा। तो भाई हम लोग अब वापस नीचे जा रहे हैं डायलिसिस के वक्त। तबीयत बिल्कुल सही रही थी, लिफ्ट के अंदर से नीचे जा रहे हैं। बाबा खड़े हैं। चलो भाई चलो नीचे। ओ बिल्लू, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई जा भाई, बिल्ली से डर लगता है भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक हो जी भाई। बाहर निकलते हैं भाई, बिल्ली फिर आ गई, जा यार यहाँ से। तो भाई गाड़ी हमारी वहाँ पे पार्क है, गाड़ी के पास चलते हैं। बाबा मामा ऊपर है ना? क्यों वो उनसे मिल उससे मिलने गई थी, क्या नाम है पेशेंट से। हमारी गाड़ी किधर है? हमारी गाड़ी चलो भैया। भाई बिल्कुल सही है तबीयत, आज एकदम से फ्रेश हुआ हूँ। घर जाके बस सोऊंगा, नींद आ जाए तो। चलो भाई तो आप कहाँ थे? हम तो देख रहे थे आपको। चलें भाई ओके। चलते हैं आप घर। तो गाइस हम यहाँ पर मेडिकल स्टोर में रुके हैं। बाबा ने दवाइयाँ लेनी है मेरी, मैं मेडिसिन ख़त्म हुई हुई हैं इस वजह से, तब मेडिसिन लेके हम जाएंगे घर। पहुँच गए हैं घर। बाबा ने गाड़ी खड़ी कर दी, और हाँ वो क्या नाम है, बाबा ने गाड़ी खड़ी कर दी है, और अब मैं जा रहा हूँ अंदर। नींद आ रही है, सो जाऊँगा थोड़ा सा, सो के फिर उठूँगा। ये फ्रेंड बनाया कहाँ? सो के उठूँगा फिर। यार राइस जो रखे हैं ना वो गर्म कर दिया मैंने, राइस बनाए थे, फ्राइड राइस मंगवाए थे मैंने, तो मैंने कहा आपको वही गर्म कर दो, क्योंकि इफ्रा तो है नहीं, वरना इफ्रा ही मेरा वो बनाती है लंच वगैरह। भाई डायलिसिस करवा के आ गया था, और उसके बाद आते मैं सो गया था, और अब टाइम हो रहा है जी 8 बज रहे हैं। अभी मैंने अपनी क्लास ली है, ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, सैटरडे संडे को होती है क्लास, वो ली है, वो लेके ख़त्म की है। उसके बाद मैंने कहा व्लॉग को एंड कर देता हूँ। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब लाजमी, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मस्ट है, और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें। थैंक यू।